सिजस इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट 2021 के विजेता का निर्धारण इस मुकाबले के माध्यम से होने जा रहा है दोस्तों। अब दूसरी तरफ मुदरबेक जो कि उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं उनके सामने दिमित्रिस कोलारस जो कि जर्मनी के खिलाड़ी हैं मुकाबला खेलते हुए यहां पर शुरुआती स्थिति है। A3 खेला है यहाँ पर और बिशप पीछे खींचते हुए B4 एक बार फिर से ऊंट पर हमला किया है यहाँ पर मुदरबेक ने और हो सकता है बिशप D4 सामने रख दिया एक्सचेंज करने के लिए और यहाँ पर मुदरबेक ने कोई मौका नहीं गवाया बिशप एक्सचेंज करने का और अपने घोड़े को पीछे खींचते हुए E2 पर उसको भी एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर सामने रख दिया है। और इस बार दिमित्रिस ने जो है अपने घोड़े को पीछे खींच लिया एक्सचेंज नहीं करना चाहते हैं वो तो अब मुदरबेक जो है अपने घोड़े को जी3 पर ले जाते हुए ताकि ऊंट को निकाल सकें और कैसल करने की तैयारी कर सकें। यहाँ पर कैसलिंग करते हुए दिमित्रिस और बिशप E2 कैसल करने की तैयारी यहाँ पर अब्दू सत्तारोव की तरफ से भी और यहाँ पर A6 खेला है और कैसलिंग करते हुए यहाँ पर अब्दू सत्तारोव मुदरबेक फिलहाल यहाँ पर घोड़े को एक बार फिर से ऊपर लाते हुए शायद ऊंट को लेने की प्लानिंग है बट यहाँ पर अब्दू सत्तारोव जो बिल्कुल निष्फिक्र F4 खेलते हुए पोजीशन को ओपन अप करते हुए और यहाँ पर घोड़े को पीछे लिया है कोलारस ने। कभी भी मोहरे अगर आपके पीछे की तरफ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात नहीं है। बिशप B2 खेलते हुए यहाँ पर मुदरबेक और अब देखते हैं अगली चाल क्या आएगी C5 तो आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं घोड़े को फिक्स कर लिया है D4 के स्क्वायर पर। ये अच्छी चाल मुदरबेक की अपने ऊंट को बेहतर कर लिया है G4 पर ले गए जरूरत पड़ने पर H3 और C8 डायगोनल पर आप ये काम कर सकता है और ये शायद ज़्यादा बेहतर स्थिति यहाँ पर मुदरबेक के लिए। अब देखते हैं कि अगली चाल क्या आएगी B5 पूरी तरह से आक्रामक रवैया अपना रहे हैं यहाँ पर कोलारस लेकिन अभी भी उनका ऊंट उनकी शुरुआती स्थिति पर है एक्सचेंज करते हुए B5 पर यहाँ पर मुदरबेक। देखते हैं अगली चाल क्या आएगी। ओके F4 पर एक्सचेंज किया यहाँ पर घोड़े पर अटैक किया है यहाँ पर और नाइट H5 अभी पॉन को नहीं मारा उन्होंने इस मूव पर मुदरबेक ने और घोड़े को H5 पर ले गए तो यहाँ पर B5 पर पॉन मारा वापस दिमित्रिस ने और अब यहाँ पर ओके यहाँ पर इस घोड़े को यहाँ पर मारते हुए घोड़ा शायद ज़्यादा मजबूत था इस बात को समझते हुए मुदरबेक ने D4 पर एक्सचेंज कर लिया है और उसके बाद दूसरा एक्सचेंज करते हुए दो चालों में दो ऊंट जो है अपने उन्होंने यहाँ पर बोर्ड पर दे दिए हैं और जो पॉन स्ट्रक्चर है अपोनेंट का उसके हिसाब से अपने घोड़े से भी F4 घोड़े वर्सेस घोड़े को मतलब अपने साथ रखा है और अपने दोनों ऊंट जो है यहाँ पर दे दिए हैं सामने वाले के घोड़े के बदले। थोड़ा सा चौंकाने वाला निर्णय लेकिन अगर आप पॉन स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। कुल कुलाते हुए यहाँ पर F3 पर अब्दू सत्तारोव और कोलारस के लिए ये चुनौती ये है कि उन्हें साबित करना होगा कि इस स्थिति को वो ऊंट के साथ बेहतर कर सकते हैं। रुक C8 लाए हैं C5 पर ओपन फाइल पर कंट्रोल करते हुए और यहाँ पर मुदरबेक ने क्वीन खेला है F2 पे D4 के पॉन पर अटैक C2 के स्क्वायर को प्रोटेक्ट किया क्वीन E5 D4 के पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पर कोलारस और अब शायद लाना तो होगा H3 खेला है पहले राजा के लिए जगह बनाइए ये भी एक अच्छी चाल ताकि किसी भी तरह का बैक रैंक का इशू जो है वो आपके पास ना रहे और मेरे ख्याल से बेसिकली शायद एक आइडिया बिशप G4 वगैरह के मूव्स को भी रोकने के लिए था। यहाँ पर C5 पर लाते हुए हाथी को एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर अब्दू सत्तारोव और एक्सचेंज किया यहाँ पर सरप्राइजिंगली C5 जो है वो सरेंडर कर दिया और A3 के पॉन पर हमला किया है यहाँ पर कोलारस ने। क्या करेंगे मुदरबेक बचाना पड़ेगा A1 ले गए हैं हाथी को बचाया है यहाँ पर रुक C8 वापस आते हुए लेकिन अब नाइट D5 खेला है C3 के स्क्वायर को प्रोटेक्ट करते हुए और नाइट B6 का थ्रेट है तो बिशप को पीछे खींच लिया E8 पर यहाँ पर कोलारस ने। नाउ देखते हैं आने वाली चालें क्या होंगी। यहाँ पर लेकर के आए हैं रुक F1 F7 के पॉन पे एक जो है वो एक प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा है। ओके किंग F8 खेला है यहाँ पर दिमित्रिस ने और यहाँ पर देखते हैं मुदरबेक क्वीन H4 आते हुए E7 के स्क्वायर को पकड़ रहे हैं लेकिन क्वीन G5 से एक्सचेंज करना चाहते हैं यहाँ पर कोलारस। देखते हैं मुदरबेक क्या खेलेंगे क्या एक्सचेंज करेंगे क्या ऊंट को वजीर को पीछे की तरफ लेकर के आएंगे। पीछे लिया है क्वीन F2 लिया है तो वापस क्वीन E5 एक प्रकार से जैसे ड्रॉ करने का इरादा जताते हुए लेकिन जो पॉन स्ट्रक्चर है क्वीन D2 जो पॉन स्ट्रक्चर कह रहा है उसके हिसाब से तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कोलारस की। ओके क्वीन G5 पर गए हैं तो फिर भी पोजीशन करीब करीब बराबर है। देखते हैं क्वीन B2 लगातार अवॉइड कर रहे हैं एक्सचेंज को और यहाँ पर बिशप को वापस गेम में लाते हुए D7 से नाइट B6 और यहाँ पर क्वीन E3। अब ये देखना होगा कि इसको कैसे डील करेंगे क्या क्वीन से डिफेंड करेंगे। हाँ क्वीन से डिफेंड किया क्वीन F2। ओके क्वीन इंटू F2 यहाँ पर रुक इंटू F2
और आप यहाँ पर ये तय है कि शायद ऊंट आपको देना पड़ेगा। ओके रुक C1 चेक, यहाँ पर रुक F1, या तो आप रुक एक्सचेंज करिए और शायद नाइट बिशप एंड गेम में नहीं जाना चाहेंगे कोलोरस यहाँ पर हाथी को पीछे ले जाते हुए C7 पर ऊंट दे दिया है अपना। लेकिन अब जो ये रुक एंड गेम आया है ये हल्का सा स्लाइड बेटर है यहाँ पर वाइट के लिए। शायद एक पास पोन आपको एक एक्स्ट्रा मिल सकती है यहाँ पर क्वीन साइड से, वही होता हुआ B5 के पोन पर अटैक है। क्या करेंगे, A7 गए हैं A3 के पोन को मारने के लिए, रुक D5 और अभी यहाँ पे मारा है Rook into D4 और तो एक पोन लिया। मेरे ख्याल से आप जाएंगे Rook B5 और B5 का पोन मारेंगे, Rook B5 और यहाँ पर Rook into B5 की संभावना ही लग रही है ज़्यादा बेहतर। यस Rook into B5 मारा है, Rook into D3 यहाँ पे जाते हुए और ना यहाँ पर King F2 लाते हुए। ओके ये जो पॉन है बी वाला ये शायद खतरे की घंटी है कोलारस के, इसको अच्छे से संभालना होगा यहाँ पर B5 बढ़ते हुए। यहाँ पर अब्दुल सत्तार आसान नहीं होगा इस तरह का एंड गेम खेलना। पॉन इक्वल है लेकिन पॉन चूंकि कॉर्नर पर है, मतलब ऑलमोस्ट कॉर्नर पर है, दिक्कत कर सकता है। यहाँ पर बढ़ते हुए B6 पहुँच गया पॉन, H5 खेला यहाँ पर कोलारस ने, देखते हैं अगली चाल क्या आएगी। यहाँ पर रुक जाता हुआ B8 पर, मतलब B7 पर पॉन पहुँचने के लिए तैयार है और मुझे ऐसा लग रहा है, अंदेशा लग रहा है कि शायद ये एंड गेम कोलारस के लिए मुश्किल होता जाएगा। बहुत मुश्किल होता है इस तरह के एंड गेम को डिफेंड करना। King F6, B7 पॉन बढ़ गया है और टेक्निकली बहुत मुश्किल में है यहाँ पर कोलारस, देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पर। ओके H4 पॉन को फिक्स किया, जितने पॉन फिक्स करेंगे उतना भी मुश्किल जो है बढ़ सकती है। King E2, King G7, King D2 हाथी को पकड़ेगा जाकर के आप ये राजा और फोर्स करेगा कि भाई आप आगे पीछे होइए और राजा को जगह दीजिए ऊपर आने के लिए। King F6, King C2 डेफिनेटली, King C2, Rook B6 और आप हाथी चलाओ, राजा चलाओ ऊपर की ओर, King C3। ये तो बहुत ही मुश्किल बाजी बन चुकी है यहाँ पर दिमित्रिस के लिए। King C4, आप चेक चेक के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, थोड़ी देर में D6 का पॉन भी मर जाएगा यहाँ पर। King G7, मोस्टली King D5 शायद वही जाके बैठेंगे और कोई तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा, वही सबसे सिंपल चाल है मेरे ख्याल से King D5। यस वही जाते हुए रुक से चेक, King C6 और फोर्स चेक देना पड़ेगा Rook C1, King into यहाँ पर D6 और उसके बाद Rook B1 और अब तो शायद King E5 का रास्ता, E5 ही बढ़ना चालू कर दिया, Rook B2। सो मेरे ख्याल से E1 एक और पॉन पुश, यस पॉन पुश और यहाँ पर E6 पर एक्सचेंज। अब आपका राजा तो बिल्कुल ही नहीं हिल सकता अपनी जगह से H7 के अलावा, Rook B1 और हाथी भी नहीं हिल सकता। अब मेरे ख्याल से अब दोनों पॉन गए, King F5, King G4 और इवन अभी King H5 भी आके बैठ जाएगा। यस King H5, King G7 और अब हाथी को हटाने का समय आ चुका है यहाँ पर। अब दो सत्तारे बिल्कुल जीत के करीब, यहाँ पर दोनों पॉन मर जाएंगे अभी। Rook into B7 और Rook E6 ओके Rook G6 से चेक दे के मारेंगे। तो ये पूरी तरह से जो है मैच अब अब्दुल सत्तारफ के हाथ में, बेहतरीन एंड गेम खेला है, अपोनेंट को उतने अच्छे से डील नहीं कर पाया यहाँ पर कोलारस और यहाँ पर कोई भी गलती करी नहीं यहाँ पर नोदिर बेक ने, ये बिल्कुल विनिंग बाजी है। अब Rook G6 चेक और उसके बाद जो है यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर, और ये ना सिर्फ एक मैच जीत रहे हैं अब्दुल सत्तारफ बल्कि खिताब की तरफ जो है मजबूत कदम बढ़ा लिए उन्होंने। Rook G6 चेक, ये टाई ब्रेक चल रहा है दोस्तों, आपको बता दें सनवे सिटजस का क्लासिकल मुकाबले खत्म होने के बाद और ये फाइनल टाई ब्रेक है जो खेला जा रहा है और ये पूरी तरह से जीतते हुए अब्दुल सत्तारफ, और ना सिर्फ ये जीतते हुए बल्कि सनवे सिटजस इंटरनेशनल का खिताब भी जो है वो अपने नाम करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर अब्दुल सत्तारफ। तो ये मेरे ख्याल से अब रिजाइन करने का वक्त आ गया है और अब्दुल सत्तारफ नोदिर बेग की एक बेहद बेहतरीन जीत यहाँ पर होने जा रही है और शायद कुछ ही क्षण बचे हुए हैं जहाँ पर कोलारस को जो है हार अब स्वीकार करनी ही होगी।